हेलो एवरीवन वेलकम बैक वीवर्स कैसे हो आप सब लोग गाइस उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे रिवर्स आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन पे रिक्वेस्ट आई हुई है तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर रीडिंग के लिए चलिए रीडिंग मैं आपके लिए करने जा रही हूँ आज देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या कुछ चल रहा है कैसी परिस्थितियाँ हैं कैसा कनेक्शन चल रहा है क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ आउटकम होने जा रहा है सो so ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो जो बातें आपसे रेजोनेट हो रख लेना बाकी को इग्नोर कर लीजिएगा रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती तो प्लीज़ वीडियो को दिल खोल के लाइक जरूर करना आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बहुत मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए और वीडियोस डेली लेके आने के लिए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए लाइक करने से कुछ भी नहीं होता कोई पैसा नहीं जाता उसका ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसी सिचुएशन है क्या को चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में

फाइव ऑफ पेंटिकल नाइट किंग ऑफ पेंटिकल वी है एक कार्ड आया है कप्स का और वो भी टू ऑफ सोर्ट के साथ में आ गया है टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बॉट ऑन द टैक्स से आई है <laughs> तो क्या ये कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है छट पार्टी सिचुएशन में नहीं ऐसा नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन में विवर्स यहाँ पर जो सिचुएशन है वो उतनी भी अच्छी नहीं आपको जो जितनी अच्छी दिखाई जा रही है ना उतनी अच्छी नहीं है उतनी अच्छी आपके भाई कार तो ये बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत अच्छी तो नहीं चल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो क्या रहा है आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में वीवर्स एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पर मतलब परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं ठीक है चैलेंजिंग होती जा रही है रिश्ता चलाना चैलेंजिंग होता चला जा रहा है इंसान कहीं ना कहीं उसको चला तो रहा है लेकिन उसके लिए जितना वो चला रहा है जितना उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जितना उस रिश्ते में वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उतना उसके लिए चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब जो है सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं दबाव को रिप्रेजेंट करती है अब वो सिचुएशन फ्रस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन इज गोइंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड और ज़्यादा होने वाली है और ज़्यादा कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबल होने वाली है अनमैनेजेबल होने वाली है ठीक है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हम सेवन ऑफ सोड की एनर्जी भी देख पा रहे हैं जो कि सीधे सीधे एक तरफ एक, एक चीज़ को डिनोट करती है वह है झूठ धोखा धोखाधड़ी ठीक है और कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसा करना जो कि एक कनेक्शन में तो एटलीस्ट कोई भी व्यक्ति डिजर्व नहीं करता तो इनके कनेक्शन में व्यूअर्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई इस बात को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन हो रही है ठीक है एक दूसरे के साथ में तना तनी वाली सिचुएशन हो रही है कि जैसे कह रहे हैं देख रहे हो ना ये व्यक्ति भाग रहा है और ये व्यक्ति इसके पीछे भाग रहा है राइट तो इनके बीच में कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जैसे कहते हैं ना चोर चोरी करके भागता है और उसको पकड़ने के लिए दूसरा वाला भागता है कि ठहर जाता है मैं बताता हूँ मैं बताती हूँ तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है कि इन दोनों के बीच में नॉट अ गुड सिचुएशन मतलब एक डिसऑनेस्टी यहाँ पे कहीं ना कहीं है अब डिसऑनेस्टी यहाँ पर आ गई है व्यूवर्स उससे क्या हुआ पहले तो इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं कहते ना रोकने की या फिर हैंडल करने की कोशिश बहुत की गई है अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको सज़ा देने वाली एनर्जी आ गई कि यार मैं इसको इसको छोड़ूंगी नहीं इसको छोड़ूंगा नहीं इसने मेरे साथ में ऐसा किया है तो इसको सजा सजा दे के ही रहूंगा यह सज़ा दे के ही रहूंगी ठीक है तो ये एनर्जी कहीं से यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रही जैसे कि आपका पर्सन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगी नहीं इसने मेरे को बहुत हर्ट किया है ठीक है मैंने इसे इसके लिए क्या कुछ नहीं किया इस व्यक्ति के लिए और इसने मेरे साथ में ऐसा किया तो ये एनर्जी क्या दिखाती है किस चीज़ को ना जैसे कि डाइजेस्ट नहीं हो रही है हजम नहीं हो रहा राइट कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया है मैंने मैं मैं किस सिचुएशन से गुजरी हूँ या किस सिचुएशन से गुजरा हूँ अब आपको मैं सिर्फ थर्ड पार्टी सिचुएशन की सिचुएशन बता रही हूँ तो आप उसको समझ लेना तो ये ये क्या बता रही है ये एक ऐसी एनर्जी जो हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रही है बट दिस पर्सन इज नॉट हील ये व्यक्ति अभी तक हील नहीं हो पा रहा है ये हीलिंग को रिप्रेजेंट तो जरूर कर रहा है लेकिन हीलिंग होगी कैसे क्योंकि बार 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 दिमाग में वही चीजें आ रही हैं वही चीजें चल रही हैं जिसको इंसान मतलब बहुत समय से अवॉइड कर रहा था एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि टू ऑफ सोर्स की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है जो कहीं ना कहीं एक चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई व्यक्ति ने इस सिचुएशन को बहुत हद तक अवॉइड करने की कोशिश की है देख के अनदेखा करने की कोशिश की है कि चल यार सुधर जाएगा एक और मौका दे दू एक और मौका दे दू लेकिन व्यक्ति जो है सुधर नहीं रहा तो भाई यहां पर क्या हो रहा है थर्ड पार्टी के भी मल्टीपल कनेक्शन हो सकते हैं राइट यहां पर ये यह हो रहा है कि जिस चीज को इंसान मतलब झुटला रहा है क्योंकि ये सच है ये सामने आ गया है। राइट right? तो सच जब सामने आया विवर्स तो उस चीज़ को झुटलाया नहीं जा सकता कहते ना आँखों देखी मक्खी जो है वो निकली नहीं जाती तो कोई ना कोई तो प्रूफ विवर्स आपके पर्सन के सामने पर आ, यहाँ पर आ ही गया है जिसकी वजह से यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट हो गई अभी थर्ड पार्टी जो है विवर्स वो यहाँ पर एक चीज़ को ऑडेनोट करती है कि जो थर्ड पार्टी है दैट इज ए मनी माइंडेड पर्सन ये बहुत मनी माइंडेड पर्सन है इसकी ये काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकती है या हो सकता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है ठीक है कुछ लोग होते हैं व्यूवर्स जो कि कुछ काम उम नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनको ये लगता है कि अपनी ब्यूटी के बल पे या फिर अपने अपने बाहरी व्यक्तित्व के बल पे जो भी है जो भी उसके पास में है उसके बल पर वो बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं या बहुत कुछ अपनी एक लग्जरी लाइफ जी सकते हैं राइट right, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है कि जो थर्ड पार्टी व्यूवर्स देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पर हम जो जेंडर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग देखो मेल भी ऐसे हो सकते हैं फीमेल भी ऐसे हो सकते हैं तो जो थर्ड पार्टी है उसकी एनर्जी क्या दिखाती है मल्टीपल कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर दी है कि भाई वो व्यक्ति पैसों के लिए किसी से भी जुड़ सकती है किसी से भी जुड़ सकता है और वो पैसा अपना अर्न कर रहा है लेकिन विदाउट हार्ड वर्क हार्ड वर्क ठीक है तो आपके पर्सन से भी पैसा बना रहा है कि आपके पर्सन भी उसको पैसा दे रही हैं या दे रहे हैं राइट और दूसरा कोई थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई अनदर पर्सन एज पर योर पर्सन लाइफ थर्ड पार्टी अब यहाँ पे थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी आई है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी एक थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन को क्या पता चला है यार थर्ड पार्टी एक नहीं है थर्ड पार्टी अनेक है थर्ड पार्टी तो अनेक है मैं तो बेवकूफ़ बन रहा था जो तो इसके लिए इतना कुछ कर रहा था इसने तो मुझे लूट लिया <laughs> एक सेकेंड कि मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया हर चीज़ मैंने इसके लिए प्रोवाइड करी है इसकी लग्जरी लाइफ के लिए इसको मतलब हर वो चीज़ जैसे कि कहीं इनको जाना है घूमना फिरना है तो आपके पर्सन का खर्चा उठा रहे हैं कहीं कहीं पार्लर वगैरह जाना है तो आपके पर्सन खर्चा उठा रहे हैं कोई घर खरीदना है घर खर में इन्वेस्टमेंट है घर में कुछ चल रहा है तो उसमें आपके पर्सन खर्चा उठा रहे हैं तो ये कहीं कही ना कहीं चल रहा है जहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है यार सब कुछ करने के बाद में भी हाथ पल्ले कुछ नहीं आया तो ये आपके पर्सन के यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन कह रहे छोड़ूंगा नहीं मैं ये छोड़ूंगी नहीं मैं उस इंसान को ऐसे ही इसने तो बहुत कुछ मतलब बर्बाद कर दिया सब कुछ बर्बाद कर दिया अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन यहाँ पर ये ये एनर्जी बहुत ज्यादा क्रोध को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है अब क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है तो आपके पर्सन के हाथ में यहाँ पे सॉर्ड आ चुकी है वर्णस की जगह तो क्रोध में वंश्स आना मतलब सोर्ड्स आना जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि व्यक्ति अब किसी भी हद तक जा सकता है जैसे सबक सिखाने के लिए तो इस समय बस आपके पर्सन की सिचुएशन ये है कि एक तो ये व्यक्ति हील नहीं हो पा रहे और ये व्यक्ति इनके हाथ नहीं आ रहा थर्ड पार्टी जो है वो कहीं कही ना कहीं झूठ पर झूठ बोल रही है और इनके हाथ नहीं आ रही है सबसे पहले तो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे फील हो रहा है जैसे वो भागती हुई से नजर आ रही है ये भागता हुआ सा नज़र आ रहा है क्योंकि आपके जो पर्सन है उसको पकड़ने की कोशिश करें कि ठहर जा तो मेरे हाथ में आ जाए एक बार फिर मैं तुझे बताती हूँ बताता हूँ तो वो सिचुएशन है तो यहाँ पर आपके पर्सन व्यूवर्स ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में कैसे वो बाहर निकले इस सिचुएशन से क्योंकि ये सिचुएशन तो हैंडल आउट हो ही नहीं रही है तो कहीं ना कहीं वीवर्स आपके पर्सन की यहाँ पर ये सिचुएशन है कि एक फूल की एनर्जी है फूल की एनर्जी जीरो को रिप्रेजेंट करती है ज़ीरो पर आ गए हैं आपके पर्सन अगेन कहीं ना कहीं तो इस ज़ीरो से कैसे बाहर निकलेंगे ज़ीरो इज़ ए एनर्जी जहाँ पर इंसान एक फिर से अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करता है उसके देख रहे हो यहाँ पर क्या है फूल की एनर्जी यहाँ पर है और ये एनर्जी क्या दिखाती है जैसे कि इंसान के पास में अब आप... कुछ भी प्रीवियस पास्ट की एनर्जी नहीं है और वो उससे ओवरकम करना चाहता है या ओवरकम उसको करना पड़ेगा दैट इज़ ए होमलेस एनर्जी हम इसको कह सकते हैं सम टाइम तो आपके पर्सन की ऐसी भी एनर्जी आ गई कि ये होमलेस हो गए हैं हो सकता भाई आपके पर्सन आपके साथ में पहले कनेक्शन में बहुत स्ट्रांग थे आपके साथ में ही रहते थे लेकिन अभी इनके पास में वो एक जो सिक्योरिटी होती है होम की वो भी नहीं है तो अब आप आपके पर्सन यहाँ पर ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं ना इधर के रहे ना उधर के रहे तो ये भी आपके पर्सन की सिचुएशन में बस कि अब ये क्या करेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी को रियलाइजेशन है ही नहीं कि उसने जो किया है वो वो सही है गलत है उसके हिसाब से वो सही है ठीक है क्योंकि वही उसने तो अपना मेन मोटिव यही बनाया हुआ था कि मुझे तो लाइफ इसी हिसाब से जीनी है तो ये कहीं कही ना कहीं विवर्स यहाँ पर आपके थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है थर्ड पार्टी इज़ अ इज़ अ वेरी पॉलिटिकल एनर्जी पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स खेलने वाली एनर्जी कि इंसान के सामने कुछ और है उसके अंदर कुछ और है ठीक है जैसे कहते हैं ना मुखौटे ओढ़ के चढ़ना ये वो एनर्जी है प्लेयर एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल के यहाँ पर आई तो है तो थर्ड पार्टी व्यूवर्स यहाँ पे एक प्लेयर की एनर्जी में प्लेयर मतलब कि कहीं ना कहीं उसको ये सब चीज़ें करना जायज़ है उसको लगता है कि ये सब कुछ सही है करना इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने तो भाई अपनी एजन, अपना एजेंडा पहले से सेट किया हुआ था कि भाई मुझे तो इसी तरह से लाइफ को अपनी लेके चलना आगे बढ़ना है उसको उसको अपनी स्किल पे भरोसा नहीं है उसको अपनी टैलेंट पे भरोसा नहीं है उसको अपनी Uh, काम पे भरोसा नहीं है उसको एक हार्ड एंड मतलब किसी की हार्ड एंड मनी को वो ऐसे ही ले लेती है या ले लेता है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है उसको लग रहा है जब मिले यूं तो करें क्यों तो ये वो एनर्जी कहीं ना कहीं है रिवर्स थर्ड पार्टी की जहाँ पर आपके पर्सन तो आज कहीं ना कहीं यहाँ पर यही है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है दे आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है दे आर नॉट सपोर्टिंग ईच अदर दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ये यह है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो इस समय कहीं ना कहीं एक ब्लैक एंड वाइट सी हो गई है और ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन से आपके पर्सन यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में गुजरते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है सो लेट्स सी अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में और क्या होने जा रहा है प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी सिचुएशन में यहाँ पे क्या होने जा रहा है फाइव ऑफ वेंड्स होने जा रहा है इनके लाइफ में सबसे पहले कार्ड आया फाइव ऑफ ऑफ वेंड्स वेंड्स का तो इनके बीच में रिवर्स आने वाले समय में क्वीन ऑफेंट की सारी एनर्जी फायर ही आ रही है फायर को कहीं ना कहीं देखो अगर सही से चैनलाइज नहीं किया जा सक, नहीं किया जाए तो वो आग भी लगा सकती है है ना ये एनर्जी होती है ना फायर जो होती है वो खाना पका भी सकती है मतलब खाना पका भी सकती है और कहीं ना कहीं क्या कर सकती है आग भी लगा सकती है, जला भी सकती है तो यहाँ पर क्या हो रहा है कोई ना वेंड की एनर्जी आ रही है जो कि कहीं ना कहीं ये भी दिखाती है कि एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा चीज़ें इन दोनों के बीच में कोशिश तो यही की जाएगी भाई जैसा भी हो व्यक्ति जो है मेरे कंट्रोल में आ जाए या जो भी सिचुएशन आउट कंट्रोल हो जाए लेकिन यहाँ पर क्या दिखाता है कि गिव अप होगा ठीक है यहां पर एनर्जी क्या दिखाती गिव अप आई कांट हैंडल दिस एनी मोर मैं ही अकेले क्यों सब कुछ करूं मैं ही इसके लिए क्यों करूं मैं ही क्यों झुकूं ये सब चीजें हैं मैं ही इस कनेक्शन में क्यों सब कुछ मतलब प्रोवाइड करूं तो अगेन इस चीज को व्यक्ति आपका जो पर्सन है वो समझ पाएगा कि इनके लिए ये जो कनेक्शन है ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गिवर है गिवर मतलब कि इस कनेक्शन में अगर इनको होना है अगर आपके पर्सन को अपनी जो रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करनी है या फिर अपनी जो खुशियां देखनी है तो इनको क्या करना पड़ेगा इनको उस व्यक्ति की सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशन उनको फुलफिल करना पड़ेगा और एक्सपेक्टेशन यहां पर लव नहीं है यहां पर एक्सपेक्टेशन है यहां पर पैसे की अगेन टर्न ऑफ कॉइन की एनर्जी आ रही है यानी कि पैसा भरते रहो पैसा देते रहो तो इंसान खुश है तुम्हारे साथ में है अदरवाइज वो नहीं है वो तो अपनी लाइफ में अपने आप में खुश है तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि इंसान जो है वो गिव अप कर देगा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब कुछ और इन दोनों के बीच में सिचुएशन अपोजिशन की हो रही है ठीक है एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ में रिश्ते जो है वो आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रहे हैं एक दूसरे के साथ में चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती हुई नजर आ रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये सब चीज़ें आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्रिएट होने वाली है जहाँ पर इंसान जो है कह रहा है कि दस इनफ और अब और सब कुछ नहीं होगा या तो तुम ये छोड़ दो ठीक है यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो ये भी कहता हुआ नजर आ रहा थर्ड पार्टी से या तो तुम ये छोड़ दो अपनी जिद छोड़ दो जो तुम कर रही हो या जो तुम कर रहे हो दैट इज नॉट राइट ठीक है Uh, मतलब जो मतलब कॉन्फिडेंटली करना है तो गलती करना ऊपर से कॉन्फिडेंटली गलती करना ये चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है तो आपका पर्सन यहाँ पर यह कहेगा कि मतलब तुम्हें इस हिसाब से चलना पड़ेगा लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर कह रही है कि नाव वाई वाई एम डूइंग ये सब कुछ मैं और क्यों करूं तुम्हारे लिए या फिर क्यों मतलब ये कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि एक फ्री स्प्रिट है ये एनर्जी जो कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग चलती है या अपने अकॉर्डिंग चलता है तो ये सिचुएशन इन दोनों के बीच में आ रही है कि टेन ऑफ कॉइन विद टेन ऑफ वेंट्स आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी एनर्जी जो कहीं ना कहीं बर्डन को रिप्रेजेंट करे यानी कनेक्शन जो है बर्डन बनता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है तो ये सब कुछ इन दोनों के बीच में चलेगा जहां पे गिव अप की एनर्जी तो डेफिनेटली बनी ही रही है कि व्यक्ति कहते हैं ना कब तक इंसान बर्दाश्त कर सकता है कभी तो इंसान का जो बर्दाश्त करने की लिमिट है वो एंड अप तो होगी ही होगी ठीक है आप देखते हैं आपके कनेक्शन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके रिश्ते पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के रिश्ते पे इस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है सो वी टावर एट ऑफ कप्स किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर आ रहा है सन एक चीज़ कही जाती है कि जब सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हो बहुत सारे कार्ड नेगेटिव आ रहे हो और सिर्फ एक सन का कार्ड आ जाए तो सारी रीडिंग को बदल देता है सन इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी और जो अपने आप में इतनी शक्तिशाली एनर्जी है जिसके सामने कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं टिक सकती तो आपके रिलेशनशिप में जो टावर है जो एट ऑफ कप्स आया है जो कहीं ना कि नेगेटिविटी को डिनोट करता है तो उसको ओवर रूल करती एनर्जी सन की है सन इज़ ए ऑफ सेलिब्रेशन जॉय हैप्पीनेस ये सब कुछ आपके कनेक्शन में आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है यानी कि जो टावर से आप लोग गुजरे हो या फिर जो सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो ये कहीं ना कहीं इमोशनल डिटैचमेंट भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन का अनफुलफिलमेंट भी रिप्रेजेंट करता है जो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चला है तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं ओवर रूल होगी बाय सन एनर्जी सन इज अ फुल ऑफ पॉजिटिविटी हैप्पीनेस तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ये आती हुई नज़र आ रही है तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है क्योंकि देखो सन का कार्ड सिर्फ आप ही के उसमें आया है इनकी उसमें नहीं आया इनकी लाइफ में जो भी होगा उसका इम्पैक्ट उसका जो बेनिफिट है उसके जो पॉजिटिव आस्पेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो आपके लिए बहुत हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ गई है सो कॉन्ग्रेचुलेसन एनर्जी यहाँ पर ये यह दिखाती है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपका जो रिश्ता है वो यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नज़र आता है यानी कि आपकी लाइफ में जो आपके ड्रीम्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगे डेफिनेटली क्योंकि आपके पर्सन जो है वहाँ से मोमेंट लेके आपके पास में आ सकते हैं ठीक है तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है इसीलिए विवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ और ये क्या दिखाता है जस्टिस वाओ एस ऑफ सोड विद जस्टिस डबल जस्टिस की एनर्जी है कहीं ना कहीं ये दिखाता है न्याय होगा ठीक है यानी आपके साथ में न्याय होगा जो आपके साथ में अन्याय हुआ है वो न्याय में परिवर्तित जरूर होगा तो ये टाइम आ गया विवर्स आपके लिए नंबर ट्रिपल वन की एनर्जी आई है फोर टाइम वन की एनर्जी आई है देखो ये जो कार्ड्स है ना ये वन वन को रिप्रेजेंट करते हैं सारे के सारे वन 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 तो हो सकता है आपको जब आपके साथ में ये न्यू बिगनिंग होने जा रही होगी सन अगेल नंबर वन की एनर्जी को डिनोट करता है तो जब भी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है तो आपको अचानक से वन 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 की जो सीरीज़ है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी तो जब भी वन 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 आपके सामने आए मैनिफेस्ट करो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी ऑलरेडी आपके लिए आई हुई है ठीक है तो मैनिफेस्ट करो चीज़ें जल्दी से आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाए आपका कनेक्शन हारमोनियस हो जाए या जो भी आपके विश है वो आप मैनिफेस्ट करो देखो अपने लिए अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो बाकी दूसरों के बारे में छो, सोचना छोड़ दो ठीक है आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए मैनिफेस्ट करो ये मत सोचो थर्ड पार्टी चली जाए वो हो जाए नहीं मेरा पर्सन मेरे पास वापस आ जाए बस काम खत्म ये चीज़ें होनी चाहिए अच्छा मैनिफेस्ट करो तो अच्छी चीज़ें होंगी सिचुएशन कैसे बनेगी ये यूनिवर्स में छोड़ दो ठीक है कैसे सिचुएशन से आपका पर्सन गुजरेगा क्या हालात होंगे किस तरह से वो वहां से आउटकम करेगा ये यूनिवर्स पर छोड़ दो आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी बस आपको उस चीज पर फोकस करना है ठीक है तो आप जब भी one, 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 आपको जब भी सीरीज नजर आए एक बार दो बार तीन बार चार बार पाँच बार हर बार मैनिफेस्ट करो तो ये व्यवर्स आप लोग के लिए रीडिंग अगर ये रीडिंग आपके लिए रही है हेल्पफुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना पर्सन इंगली व्यवर्स आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में टिल देन टेक केयर सेल्फ ब्लेस व्यूवर्स थैंक यू वॉचिंग टेक केयर